भगवत माँ, और काढ़ा पिलाओगे तो मेरे पेट में अदरक का पेड़ उग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो नहीं, सुनो। अगर काढ़ा नहीं पियोगे तो टॉन्सिल हो जाएंगे गले में। आधा घंटा पूरा हो गया लेकिन अभी तक विवान वापस नहीं आया। अरे बड़े, अब मुझे टॉन्सिल जो ही नहीं सकते। क्यों, तू क्या हीरो है? नहीं, सुपर हीरो। क्या बोला? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े लोगों को थोड़ी ना टॉन्सिल जोड़ने हैं। अब डूबा डूबा की असलियत करुणा के सामने लानी ही पड़ेगी। ओहो, बड़े आए बड़े होने वाले। ठंड के कारण अपनी फोटो तक तो पहचान नहीं पा रहे थे। वो क्या डांडिया नाइट को मार कुटा ही बोल रहे थे। अब चुपचाप मुंह खोलो और काढ़ा पियो। चलो। अरे ढंग से पीना, कैसे पी रहा है? अरे करुणा जी, विवान की ठंड दूर करने के लिए मेरे पास एक तरीका है जिससे विवान की ठंड तुरंत गायब हो जाएगी। मैं उसके लिए लंदन से एक बहुत ही स्पेशल कैप लेके आई हूँ, ये देखिए। अरे वाह, देखें जरा विवान कितना प्यारा लग रहा है। क्यूटी, वेरी हैंडसम। देखना चाहते हो विवान कैसे लग रहे हो? शीशे में देखोगे। अरे अच्छे लगोगे, मम्मी को दिखाओ ना अपनी, कितने सुंदर लगते तुम ये कैप पहन के। नहीं 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 नहीं, मिरर में क्यों? अरे शर्मा क्यों रहे हो तुम? बहुत क्यूट लग रहे हो, एक बार दिखाओ तो सही अपनी मम्मी को। अरे बट मम्मी अपनी आंखों से भी तो देख सकती है ना। अरे वैसे तो रोज ताकता रहता है मिरर को, आज क्यों घबरा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, रुको मैं दिखाती हूँ। अरे देखो तो सही बेटा। विवान, अरे करुणा जी आप ही दिखा दीजिए, ये लीजिए। अरे प्रॉब्लम क्या है मिरर देखने में? अब आएगा मजा जब करुणा को पता चलेगा कि ये विवान नहीं बल्कि ये तो कोई और बहरूपिया है। ऐसा मुंह क्यों बना रखा है विवान? ताकि मुझे बुरी नजर ना लगे। मेरे होते हुए तुझे किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती। वो तो है मम्मी। इस लंदन वाली कैप के लिए थैंक यू टिम्मी आंटी। टिम्मी नहीं विवान, तनीशा। वहाँ तनीशा आंटी, कैसे लग रहा हूँ मैं इस कैप में? कितनी भी होशियारी क्यों ना कर लो विवान, लेकिन तुम मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध को रोक नहीं सकते। क्या हुआ आंटी, किस सोच में पड़ गए? बताइए ना, कैसे लग रहा हूं मैं? ये भी कोई पूछने वाली बात? बहुत क्यूट लग रहे हो तुम। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा वो देबू भैया दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? अरे हाँ, देबू दिखाई नहीं दिया इतनी देर से, कहाँ है?
मैं देबू भैया गोकू के घर गए होंगे ना। अरे वहाँ से तो वो कब का लौट चुका है। अच्छा सो आई थिंक अपने रूम में होंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पे पूरा यकीन रखते हैं भैया। मैं चेक करके आता हूँ। अरे लेकिन काढ़ा तो पी जा। आके पी लूंगा। एक बार फिर से ये बच्चा तुम्हें टोपी पहना के भाग गया। वो सब कुछ तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने अनन्या को मेरा मैसेज दिया कि नहीं। हाँ दे दिया, लेकिन उसे यहाँ बुला के करोगी क्या तुम? मुझे इमरजेंसी कॉल करके खुद का गायब हो गए देबू भैया। ये तो देबू भैया का लेटर लगता है। माय डियर छोटे भैया, मैं जितना देखता हूँ उससे भी ज्यादा डरपोक हूँ। तमन्नासा और भाईमार को देखकर डूबा डूबा की तरह मेरा भी दिल डूब रहा था, इसलिए मैं आज रात गोपो के घर में रुक रहा। आई होप जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम उस तमन्नासा और भाईमार की छुट्टी कर चुके होंगे। बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा देबू भैया। फिकर नॉट देबू भैया, मैं तमन्नासा और भाईमार को घर में ही ट्रैप करके रखूंगा ताकि नकाबपोश उस कोल्ड वेव को क्लीन बोल्ड कर सके। अरे अनन्या क्या हुआ, देवी प्रसाद फिर से खो गया क्या? नहीं आंटी, वो तो मैं ये पूछने आई थी कि आप विवान देबू आप सब लोग कैसे हो, बहुत बहुत ठंड हो रही है ना। हाँ हम लोग तो ठीक है अनन्या, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम ऐसी सर्दी में ऐसे गर्मी के कपड़े पहन के क्यों घूम रही हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? नहीं आंटी ठीक है। अरे क्या ठीक है, ये लो इसे ओढ़ो, अपनी भी केयर कर लो थोड़ी सी। ये लो चुपचाप ये ओढ़ो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। माँ आपकी याद के नाम पे सिर्फ एक ये कंगन है मेरे पास। आई एम सॉरी अनन्या, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने जबरदस्ती, मुझे नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली तुम बच्ची तो हो नहीं। आंटी आप सॉरी मत बोलिए, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं माँ के लिए तो वो बच्चा ही रहता है ना। एक्चुअली आपकी डांस सुन के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। ओ मेरा बच्चा। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना आंटी। खुशी, विवान, देबू वो लोग बहुत लकी हैं कि उनको आप जैसी माँ मिली। और खुशी तो बिल्कुल ही आपकी कॉपी है, पर विवान थोड़ा शरारती है, शायद अपने पापा पे गया है ना? इस बेवकूफ लड़की को जिस काम के लिए बुलाया है वो काम ही भूल गई है ये। फोन। परी, ये भाई परी, क्या गेम खेल रहे हो तुम लोग मेरे बिना? ठीक है मैं तुम लोगों में से किसी से बात नहीं करूंगी। कट्टी मस्ती भरी, सुनो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अभी तुम सब यहाँ खेल खेल रहे थे मेरे बिन, तब मेरी याद नहीं आई, अब मैं आ गई तो मेरी मदद चाहिए। हम खेल नहीं रहे हैं मस्ती परी, हम अपनी प्राण शक्ति से धरती को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं।
ज्वाला परी धरती को गर्म रखने के लिए कोई शक्ति वक्ति की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए ऊनी कपड़े पहनने चाहिए जो मैंने पहने। तुम अजब, मैं मेरी शक्तियों से धरती पे ऊनी चादर चढ़ा देती हूँ। नहीं मस्ती परी, ऐसा करने से धरती के प्राणियों का दम घुट जाएगा। ये तो क्या चाहते हो तुम लोग? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि ये बुद्धि नाशक फल का असर तुम पर से खत्म हो जाए। और पकड़ लिया। अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही याद आ रही है तो तुम्हें मैंने जो काम कहा है वो जल्दी से खत्म करो, नहीं तो ऐसे ही दूसरों की माँ को अपनी माँ बनाती रह जाओगी। तुम्हें माँ बेटी के रिश्ते के बारे में क्या ही पता होगा। खैर, बुराई की रानी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो, अगर अपना भला चाहती हो तो, समझी? जैसे ही नकाबपोश बाहर आएगा मैं और भैमार इस घर से बाहर जाएंगे, और तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि तुम विवान को घर के अंदर रोक के रखो, समझी? मुझे डिम्मे अंडे पर नजर रखनी होगी। सबसे पहले उनके रूम में चेक करता हूँ। लेकिन विवान को बेबी सिटिंग की क्या जरूरत है? लो, मतलब कि तुम्हारे जासूस को पता ही नहीं है कि करना क्या है। वाह, ये तो खुद ही अंधेरे में। क्या नहीं पता है मुझे? यही कि विवान, जिसकी तुम बेबी सिटिंग करने से कतरा रही हो, वही बालवीर है। हाँ, लेकिन अभी उस बड़े बालवीर से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी याददाश्त और शक्तियां दोनों ही खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तिमनासा, अगर तुम्हें पता था कि विवान ही बालवीर है तो मुझे धरती पे क्यों भेजा? क्या है ना कि युद्ध के मैदान में समय और मौका देखकर रणनीतियां बदल दी जाती हैं। इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि ज्यादा सवाल जवाब पूछना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, जाओ। अनन्या दीदी, आप यहाँ क्या कर रही है? सॉरी विवान, वो मैं गलती से यहाँ पे आ गई थी। तुमने बताया नहीं तुम्हारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं? हाँ, ये लोग गेस्ट हैं, बट आप यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं वॉशरूम ढूंढते हुए आ गई थी यहाँ पे। सॉरी सॉरी गाइस। I can't believe it. इतने दिनों से बालवीर मेरी आंखों के सामने ही था। इट मीन्स हम उस कोल्ड वेव के बहुत ही नजदीक पहुंचे हैं। वो यहीं कहीं होगा। लेकिन ये क्षेत्र लहर का स्रोत किस दिशा में है?
यहाँ तो चारों तरफ से बराबर ठंडी हवा आ रही है। मुझे लग रहा है अगर मैं यहाँ और थोड़ी देर रुकी तो मैं बिल्कुल जम जाऊंगी। पानीपरी, मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। अब आगे का सोर्स मैं खुद ढूंढूंगा। लेकिन नकाबपोश तुम अकेले कैसे? पानीपरी, विवान का और सारी परियों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। आप जाइए। कहीं मैं नकाबपोश को यहाँ लाके तिमनासा की मदद तो नहीं करती? दीदी, एक बात समझ में नहीं है, अब इतनी ठंड में अपना कोजी रूम छोड़कर यहाँ क्यों आई है? विवान, तुम्हें पता है ना कुछ चिंटू चिंटी कितने बोरिंग हैं। ओ, तो उनसे बोर होने से बचने के लिए अब मुझे बोर करने आ गए? व्हाट? वैसे विवान, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल मेरे जैसा। शाप। थैंक यू। वैसे विद्वान, ये बताओ कि हम अपना बोर्डम दूर करने के लिए क्या करें? आइडिया, तुम्हारा रूम देखे। अरे बट दीदी, मेरा रूम कोई म्यूजियम थोड़ी ना, जो आप टाइम पास के लिए देखना चाहती हैं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने अपने रूम में कोई सीक्रेट छुपा रखा है। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी लाइफ तो एक ओपन बुक है। जो यहाँ वही यहाँ है। चलिए आइए दीदी। तो ये है मेरा कमरा। वाओ, तो ये है बालवीर का रूम। किसने सोचा था कि ये क्यूट सा बच्चा सुपर हीरो है? कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। विवान, एक क्वेश्चन पूछूं? आप दो पूछ लीजिए। वो उस रात को जब देबू ने मुझे बालवीर से मिलने के लिए बुलाया था और तुम वहां अचानक से आ गए थे। आ गया बालवीर। कहां है? कहां है? आएगा। कहां है? आ गया। तो टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुम लोग मेरी लेग पुलिंग कर रहे थे या सच में देबू बालवीर का फ्रेंड है? तो आपको बालवीर के बारे में जानना है? नहीं, तो उसके लिए तो आपको देबू भैया से इंक्वायरी करनी होगी, क्योंकि मैं तो सलमान भाई का फैन हूँ। और मेरे बारे में इतना मत चोटना दीदी, क्योंकि मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। फेयर इनफ। पर विवान, देबू के साथ तो मेरा कैट एंड डॉग वाला फाइट है। उससे तो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो वो तो मुझे जिगजैग में ही आंसर देगा, पर तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन फील होता है। कितना स्ट्रेंज कनेक्शन? 4G जैसा स्ट्रेंज या फिर ब्रॉडबैंड जैसा या फिर क्रॉस कनेक्शन जैसा स्ट्रेंज? विवान, तुम बहुत फनी हो। अगर मेरा कोई भाई होता ना तो भी तुम्हारे जैसा ही क्यूट और फनी होता। विवान को तो बातों में एंगेज कर लिया है मैंने, लेकिन ये सोचकर मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है कि तिमनासा नकाबपोश को किसी जाल में फंसाने वाली है। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान है। यहाँ पे इतने छोटे पैरों के निशान, ये तो सिर्फ तौबा तौबा के ही हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कहा था भाई रानी ने? शाम तक रुक जाओ, फिर जो चाहो खाने को मिल जाएगा। और यहाँ अंधेरा होने आया और यहाँ पे ये खाने के नाम पर बर्फ है बर्फ। क्यों भाई साहब? कैसे हो छोटे मियाँ? नकाबपोश जी, आप? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे सत्यानाश हो उस टिमनासा का, पता नहीं कब से मुझे पाप के रास्ते पर चला रही है।
मैं ना ये सब छोड़ छाड़ के ना मैं इस ठंड का स्रोत कहाँ पर है? अरे शांत शांत नकापो जी, गुस्सा मत होइए, मैं खुद आपको उस शीत लहर के केंद्र तक ले जाऊंगा। मुझे बस मारना मत, मैं आपके सेना में कोई भी सिपाही विपाही बनकर रह जाऊंगा। चलिए। जिसकी वफादारी एक पल में बदल जाए उस पर मैं विश्वास करूं? खुद के जैसा ढक्कन समझा है क्या? अरे नहीं नहीं नकाबपोशी, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगता है वो ठंड का स्रोत यहीं कहीं आसपास होगा। अच्छा प्लान था तिमनासा, बट अब बहुत जल्दी ये फेल होगा। नकाबपोश हमारे जाल में फंस चुका है भैमर। मैंने अपने अंतिम और निर्णायक युद्ध का पहला शिकार कर लिया है और वो है नकाबपोश। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।